अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, टुडे आई हैव Xiaomi Redmi Note 9 और आज मैं करूंगा इसका रिव्यू। इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो आपने प्रॉबेबली पहले देख ही ली होगी, अगर नहीं देखी तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, जाके जरूर देखिए। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना स्पेसिफिकली टॉक अबाउट द कैमरा परफॉर्मेंस, द गेमिंग परफॉर्मेंस एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द फोन। एंड बिफोर दैट मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हम लोगों ने Xiaomi Redmi Note 9S का भी रिव्यू किया था, जो कि समझ लें कि Redmi Note 9 का थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है। ये सीरीज Redmi Note 9, Redmi Note 9S और Redmi Note 9 Pro तीनों के प्राइस रेंजेस में फर्क है। तीनों एक दूसरे के डाउनग्रेडेड या अपग्रेडेड वेरिएंट्स हैं। तीनों के स्पेक्स में और प्राइस में फर्क है, हाँ डिजाइन काफी ज्यादा मिलता जुलता है तीनों का। सो दिस वेरिएंट Xiaomi Redmi Note 9 ये आपको मिल जाएगा मार्केट में अराउंड 30,000 का। ये जो वेरिएंट मेरे पास अवेलेबल है ये 4GB और 128GB वाला वेरिएंट है। इसके अंदर और Xiaomi Redmi Note 9S के अंदर तकरीबन 10,000 का फर्क है, क्योंकि Note 9S आपको मिल रहा है 40,000 का। इसके अंदर मेनली फर्क रैम और रोम का, ऑब्वियसली अदर देन दैट चिपसेट का भी फर्क है, क्योंकि इसके अंदर आपको Qualcomm Snapdragon 720G मिल रहा था, लेकिन इसके अंदर आपको मिल रहा है MediaTek Helio G85 का चिपसेट। और इसी तरह GPU का चिपसेट आपको Note 9S के अंदर Adreno का मिलता था, जबकि इसके अंदर Mali का G52 का अवेलेबल है। बाकी डिस्प्ले ऑलमोस्ट दोनों का बराबर ही है, दोनों के अंदर आपको IPS LCD डिस्प्ले मिल रहा है फुल HD रेजोल्यूशन के साथ, जिसकी ब्राइटनेस वगैरह, कलर शार्पनेस वगैरह मुझे ऑलमोस्ट बराबर ही लगे। लेकिन हाँ, व्हेन इट कम्स टू कैमरा तो कैमरा में मैंने काफी फर्क फील किया, क्योंकि Note 9S के अंदर कैमरा मुझे काफी ज्यादा बेहतर लगा था, लेकिन इसके अंदर भी कैमरा अच्छा है। लेकिन वही बात, व्हेन इट कम्स टू प्राइस तो इसके अंदर आपको काफी ज्यादा फीचर्स कम मिलेंगे, जिनमें से मेनली कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से Note 9S का बैक कैमरा 4K रिकॉर्डिंग भी सपोर्ट करता था, इसका कैमरा 1080p तक की रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है सिर्फ। लेकिन वन थिंग आई लाइक अबाउट द Redmi फोन्स इज के इन तीनों वेरिएंट्स को मैंने यूज करके देखा है, तीनों की वीडियो रिकॉर्डिंग के लिहाज से स्टेबिलिटी बहुत कमाल की है, एंड स्पेशली 30,000 के लिहाज से आई थिंक कैमरा में इतनी ज्यादा स्टेबिलिटी मैंने बहुत कम फोन्स में देखी है। सो यस, अगर आप में से काफी लोग कैमरा लवर्स हैं, कैमरा से कोई कॉन्टेंट बनाना चाहते हैं, स्पेशली वीडियो कॉन्टेंट, तो आई थिंक दिस फोन इज गोना बी अ बेस्ट ऑप्शन फॉर यू इन दिस प्राइस रेंज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू टॉक अबाउट द डिजाइन ऑफ द फोन, तो बैक पर आपको मिलते हैं इस फोन के चार कैमराज, जिनमें से मेन कैमरा आपको 48 मेगापिक्सल का मिलता है, अल्ट्रा वाइड कैमरा आपको 8 मेगापिक्सल का मिलता है, और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर का लेंस भी अवेलेबल है। बैक पर ही आपको इसकी फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है, जिसकी स्पीड भी काफी ज्यादा अच्छी है, और इसका फिंगरप्रिंट का डिजाइन मुझे काफी ज्यादा पसंद है, क्योंकि बिल्कुल मिला हुआ डिजाइन के साथ ही, मतलब इट डजंट फील लाइक एज इफ कि इसके अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पर अवेलेबल है। अदर देन दैट, बॉटम में डिवाइस की आपको 3.5 mm की ऑडियो जैक, इसका प्राइमरी माइक, टाइप सी की चार्जिंग पोर्ट और इसके स्पीकर्स मिलते हैं। राइट साइड पर डिवाइस की इसके वॉल्यूम कीज और पावर कीज आपको मिल जाती है, जबकि लेफ्ट साइड पर आपको सिम स्लॉट और SD कार्ड की एक डेडिकेटेड स्लॉट भी मिल जाती है। वाइल ऑन दी टॉप आपको डिवाइस के मिलता है सेकेंडरी माइक और एक और अच्छी चीज विच इज IR ब्लास्टर, जिसके थ्रू आप अपने फोन को एज अ रिमोट यूज कर सकते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को कंट्रोल करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल TV, AC वगैरह आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं अपने फोन के थ्रू। डिस्प्ले डिवाइस का मिल रहा है आपको Corning Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन के साथ, जबकि बैक पर आपको डिजाइन प्लास्टिक का मिल रहा है। एंड ऑन द फ्रंट साइड आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, जो कि डिस्प्ले के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में अवेलेबल है पंच होल डिजाइन में। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, फ्रंट कैमरा की परफॉर्मेंस डे लाइट में तो अच्छी है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू लो लाइट तो लो लाइट में मुझे कोई ज्यादा अच्छी नहीं लगी। लेकिन हाँ, फिर वही बात है कि जब इतनी प्राइस रेंज के फोन्स के साथ कंपेयर की जाए तो तकरीबन बराबर ही है। When it comes to performance of the phone, तो फोन के अंदर हमने मल्टीपल एप्लीकेशंस को इवन एट अ टाइम रन करके देखा है, फोन के अंदर कोई प्रोसेसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ज्यादा इश्यूज नहीं होंगे, इवन गेमिंग के अंदर भी, क्योंकि Redmi सीरीज के अंदर आपको एक डेडिकेटेड गेमिंग मोड भी मिलता है, जिसके बाद आपकी गेमिंग के परफॉर्मेंस एनहेंस हो जाती है, क्योंकि वो बैकग्राउंड एक्टिविटीज को सारी स्लो डाउन कर देता है, तो आपको गेमिंग परफॉर्मेंस भी इसके अंदर अच्छी मिलेगी। इवन जब आप HD के अंदर भी PUBG खेल रहे होंगे तो इतना ज्यादा कोई फ्रेम्स पर सेकंड का ड्रॉप आपको फील नहीं होगा, गेमिंग परफॉर्मेंस स्मूथ ही होगी। और हाँ, सबसे अच्छी बात कि गेमिंग के साथ साथ मल्टीमीडिया के साथ साथ आप इसके अंदर बहुत ज्यादा देर तक भी गेमिंग करें, बहुत ज्यादा फोन को यूज करेंगे, तब भी आपका बैटरी ड्रॉप आपको इतना ज्यादा फील नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर आपको मिलती है बहुत बड़ी बैटरी, विच इज 5020 mAh की बैटरी, जो कि तकरीबन आप बहुत इजीली 1.5 से 2 दिन आराम से निकाल सकते हो। एंड इवन व्हेन इट कम्स टू चार्जिंग, तो क्योंकि फोन फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, तो आपका फोन इजीली 1.5 से 2 घंटे के अंदर 0 to 100% फुली चार्ज भी कर देगा। और ना सिर्फ फास्ट चार्जिंग बल्कि रिवर्स चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, मतलब आपको एक दूसरी डिवाइस को भी इस डिवाइस के थ्रू इजीली चार्ज कर सकते हैं, यानी कि दिस फोन वर्क्स एज अ पावर बैंक टू।
गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट Xiaomi Redmi Note 9. अगर मैंने इसके बारे में कुछ मिस कर दिया तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आई विल गेट बैक टू यू. और अगर मैं फाइनली अपना कंक्लूजन दूं इस डिवाइस के बारे में तो आई लव द डिवाइस परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, गेमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली. लेकिन वेन इट कम्स टू कैमरा तो ऑनेस्टली ऑल दो इतना ज़्यादा फर्क नहीं है कैमरा के मेगा पिक्सल्स में और सेंसर्स में. लेकिन इसके अंदर आई डोंट नो सम हाउ मुझे Xiaomi Redmi Note 9S से अगर कंपेयर किया जाए तो कैमरा क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा कम लगी. हाँ फीचर्स तो बिल्कुल वैसे ही थे, इवन वीडियो स्टेबिलाइजेशन भी बहुत कमाल की थी, लेकिन शार्पनेस और रेजोल्यूशन मुझे पर्सनली आई डोंट नो थोड़ा कम क्यों लगा. लेकिन आपको कैसी लगी डिवाइस ओवरऑल, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. फिलहाल टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.